तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, गांव बासा में है और इस समय जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं अमनदीप सिंह चुंडला, वो पहुंच चुके हैं गांव बासा में और ये काफिला ट्रैक्टरों का, मोटरसाइकिल का, वो आपको नजर आता हुआ देख सकते हैं, पहुंच चुके हैं बासा में ये काफिला आपको नजर आता हुआ अमनदीप सिंह जुंडला का ट्रैक्टर चलाते हुए अमनदीप सिंह जुंडला देख सकते हैं अमनदीप सिंह जुंडला इस समय ट्रैक्टर चलाते हुए और लगातार और देख सकते हैं कि लगातार ये तस्वीरें और देख सकते हैं ये काफिला जुंडला साहब है तो देख सकते हैं लगातार ये तस्वीरें। हाँ जी, कैसा चल रहा है? देखिए, जनता में बहुत उत्साह है। आज मैं अपने गांव खुद के ही, जो हमारा पैतृक गांव है बांसा, उसमें आज बांसे के मेरे सभी युवा साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने आज गांव बांसा समर्थन देने जा रहा है, क्योंकि ये हमारे परिवार है, यहीं पर बिरादरी भाईचारा सारा यहीं पर है। तो जैसे जैसे चुनाव देने जा रही हैं, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, आपका जो ग्राफ है काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं, किसके साथ टक्कर होगी? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि टक्कर किसी से होनी नहीं, देखना एक तरफा ही झाड़ू चलेगा। अच्छा। क्योंकि पंजाब में भी एक तरफा चला है, दिल्ली में भी एक तरफा चला है, आप कहीं की भी हिस्ट्री उठा लो, जब भी ये झाड़ू चलता है एक तरफा चलता है। जनता मन बढ़ा चुकी है, जिन लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार, महिलाओं को 1000 रुपया हर महीने उनकी सम्मान राशि और हॉस्पिटल गांव के अंदर मिलेंगे, तो वो लोग बदलाव जरूर करना चाहते हैं और बदलाव के लिए तैयार हैं। देखना आने वाला समय है, असंत के भविष्य का समय है, संत के बच्चों का भविष्य। अरविंद केजरीवाल के आने के बाद और भी तेज हो जाएगा चुनाव? देखिए, चुनाव तो पहले ही एक तरफ है, अरविंद जी को लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं जिस भी गाँव में जाता हूँ, कहते हैं बेटे अरविंद जी की रैली करवा, एक अरविंद जी की रैली करवा। अगर मैं किसी भी भाईचारे में गया, कल व्यापारी भाइयों के पास गया, तो उन्होंने पूछा अरविंद जी कब आ रहे हैं, सबको अरविंद जी की इंतजार है। आप देखना, अरविंद जी के आते ही सब कुछ ये झाड़ू 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 नजर आएगा। तो भाई देख सकते हैं ये काफिला ट्रैक्टरों का इस समय आपको नजर आता हुआ गाँव बासा में इस समय हम पहुंचे हैं और लगातार अमनदीप सिंह जुंडला का जो इस समय ये स्वागत किया जा रहा है, युवा नेता है अमनदीप सिंह जुंडला, और लगातार ये तस्वीरें आपको नजर आती हुई किस तरीके से ट्रैक्टर चला करके, जी हाँ, ट्रैक्टर चला करके सभी का मान सम्मान करते हुए। खास बात ये है कि भाई साहब, ये सुना है किसी और पार्टी का भी बंदा मिल जाए, आप उसको भी हाथ जोड़ देंगे? देखिए, ये हमारा आपसी भाईचारा है, इलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता, भाईचारा सबसे पहले होता है। हमने समाज के अंदर रहना है, सामाजिक व्यक्ति बन के रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, जो वृक्ष झुकता है फल उसको ही ज्यादा लगता है, सफेदा कल्ला ही खड़ा रह जाता है, उसकी छाँव में भी कोई नहीं बैठता। इसलिए ये मेरे परिवार ने मेरे को सिखाया है, बचपन से सिखाया है कि घर का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि जो आपसे उम्मीद रखते हैं उनको ये ना महसूस हो कि ये दरवाजा, खानदानी घरों के दरवाजे हमेशा ही खुले रहते हैं। देख सकते हैं भाई, सभी जो है अमनदीप सिंह जुंडला की वेट कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला करके अमनदीप सिंह जुंडला जो है वो पहुँचते हुए गुरु घर में, और भव्य स्वागत जिसको कह सकते हैं वो यहाँ होता हुआ इस समय देख सकते हैं अमनदीप सिंह जुंडला और ये
काफिले इस समय लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल जो कि 30 तारीख को असंत के प्लेग्राउंड स्कूल ग्राउंड में जो है पहुंचेंगे। परसों के लिए सभी मेरे भाइयों बहनों युवा साथियों बुजुर्गों को मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी जो आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई रह रहे हैं, जो आज लीडर भी है और नीडर भी है, ना डरते हैं और राजनीति में भी आज उन्होंने मुद्दों की राजनीति की है, उनको सुनने के लिए हमारे अपने शहर संध में सलवन रोड स्कूल में जरूर पहुंचे। मेरा यही निवेदन है, अपने अपने ट्रैक्टरों पे आए, ट्रालियों पे आए, व्हीकल जिसको जैसे सुविधा मिलती है वैसे ले, और ये मान सम्मान आपके अपने भाई का भी बढ़ाएं और अरविंद जी का भी बढ़ाएं, और आओ हम मिलके एक नए संध की बुनियाद रखें, एक नया संध बनाएं, ये भ्रष्टाचार से अपनी मुक्ति लें, अपने बच्चों की शिक्षा का संध बनाएं, अच्छे हॉस्पिटलों का संध बनाएं, अच्छे रोजगारों का संध बनाएं। आओ मैं सबसे निवेदन करता हूँ मेरे भाई बहन से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचे। भाई देख सकते हैं वेट करते हुए, और इस समय ये तस्वीरें सीधी गांव बासा से आपको नज़र आती हुई, और देख सकते हैं ये बड़ा काफिला ट्रैक्टरों का वो पीछे तक, और अमनदीप सिंह जुंडला का स्वागत करते हुए गुरु घर के अंदर, और ये तस्वीरें इस समय युवा नेता है अमनदीप सिंह जुंडला, और ये ट्रैक्टरों का गाड़ियों का जो काफिला है वो आपको नज़र आता हुआ। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा। बस देख सकते हैं इस समय मालाएं पहना करके अमनदीप सिंह जुंडला का मान सम्मान तो है गांव की तरफ से करता हुआ ये बासा गांव। लगातार ये तस्वीरें गांव बासा के गुरु घर से जो है पहुंचती हुई, और अमनदीप सिंह जुंडला युवा नेता आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू जो कि प्रथम स्थान पर है, और ये युवा अमनदीप सिंह जुंडला को मिलने के लिए पूरा गांव जो है एकजुट होकर के इस समय यहां पहुंचता हुआ गुरु घर की ये तस्वीरें, और देख सकते हैं किस प्रकार से मान सम्मान को यहां मिलता हुआ। तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें, असंध हलचल हो जाए साथ, बड़ा प्यार प्रेम और ये स्नेह बुजुर्गों का। ये स्नेह अमनदीप सिंह जुंडला को ये देख सकते हैं गुरु घर मासा में समय हम पहुंचे हैं, और युवा अमनदीप सिंह जुंडला आम आदमी पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू जो की प्रथम स्थान पर है वो आप देख सकते हैं इस समय ये काफिले और झंडे, और लगातार उनको मालाएं पहना करके इस समय ये तस्वीरें आपको सीधी और लाइव जो है मिलती हुई गांव बासा से। बहुत ही सुंदर और प्यारी ये तस्वीरें अमनदीप सिंह जुंडला गांव बासा में पहुंचे हैं, सभी ने अतिथि सत्कार किया है, और आम आदमी का ये झंडा इस समय लहराता हुआ। तो आपकी राय आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, युवा शक्ति साथ है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है अमनदीप सिंह जुंडला के साथ, तो आपकी राय हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण, तो आपकी राय जरूर लीजिएगा, बने रहिएगा। असंध हलचल हरियाणा के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।